ऑर्गेनिक मॉर्निंग्स, मैं हिमांशु मिश्रा मल्टीप्लायर कंपनी से। किसान भाइयों, आज ये वीडियो मैं अपने चैनल के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच में ला रहा हूँ। ये किसान भाई जो बीच में हैं, ये हैं श्री राशिद खान जी, जो चारगांव गोपालगंज सिवनी के निवासी हैं। इधर श्री राकेश ठाकुर जी हैं, जो कंपनी के प्रतिनिधि हैं, और ये पलारी, केवलारी, नैनपुर, मंडला, ये सब एरिया क्षेत्र देखते हैं मल्टीप्लायर का। और किसान ये राकेश ठाकुर जी हमारे साथ आए हैं विजिट करने के लिए पपीते खेती के लिए। और हमारे साथ हैं राम भरोसे जी, जो राशिद जी के गांव के ही निवासी हैं, जो मल्टीप्लायर तकनीक का रिजल्ट इन्होंने देखा है और उन्होंने उसके अनुभव बताने के लिए आए हैं। किसान भाइयों, आपको मैं पहले ये वीडियो बनाने से पहले बताने से पहले किसान भाई का अनुभव बताने से पहले मैं आपको वीडियो घुमा के दिखा देता हूँ। ये फसल करीब एक एकड़ की है, जिसमें करीब 800-900 पौधे लगे हुए हैं अभी, और ये करीब 7 महीने की फसल है। आप जैसा कि मैं घुमा के दिखा रहा हूँ आपको, 7 महीने की फसल में आप जो फ्रूटिंग दे रहे हैं, फ्रूटिंग की शुरुआत अच्छी हो चुकी है, और अभी इस फसल में कोई भी रोग, कोई भी समस्या नहीं है। काफ़ी तेज़ धूप भी है यहाँ पे, आज है तो। राशिद जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ भाई साहब, कि आपने जो पौधे जो है लगाए हैं, आपने पौधे स्वयं तैयार किए हैं या कि जो है पौधे लिए थे कहीं से? स्वयं तैयार किए हैं। अच्छा, ये आपने पौधरोपण कब किया है, किस महीने में? पौधरोपण किया सितंबर माह में। जी। और राकेश भाई साहब, आपको ये जो पौधे देख रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है ये सब देख करके? जी, 7 महीने में जो इसकी हाइट है वो करीब 7 फीट के आसपास की है, और पौधे बिल्कुल ग्रीन, डार्क ग्रीन, दूर से ही काफ़ी अच्छे दिख रहे थे। और कैसा आपको लगा कि इसमें कैसा अभी पौधा आपके हिसाब से कैसा है ये? मेरे हिसाब से पौधा की क्वालिटी और ग्रोथ अच्छा है। जी जी, इसमें किसी प्रकार का बारिश भी नहीं दिख रहा। जी, और राशिद भाई साहब, ये बताइए कि इसमें आपने कैसे कैसे क्या क्या यूज़ किया है, क्योंकि बहुत सारे किसान भाई जानना चाहेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि आपने इस जो है पपीते खेती में पहले दिन से आपने कौन कौन सी खाद उपयोग किया है, कौन कौन सी दवा उपयोग किया है, और स्प्रे में क्या यूज़ किया है, ज़मीन से क्या यूज़ किया है, तो ये सब बताएं। तो सबसे पहले आप मुझे बताएं कि जब पौधरोपण किया था तो आपने कौन सी खाद का उपयोग किया था? गोबर खाद का उपयोग किया था पहले। जी, पौधे लगा देते। हाँ हाँ, उसके बाद डाले 1919। जी जी, जमीन से। जी, फिर उसके बाद डाले मल्टीप्लायर। जी, यूरिया के साथ। जी, जमीन से दिए। जी, फिर झाड़ में स्प्रे किए। जी, नारायण अस्त्र। जी, 10 ml और 2 ml स्प्रे प्लस। जी, और मल्टीप्लायर भी 3 चम्मच करीब 20 ग्राम करीब 20 ग्राम। जी जी, 15 लीटर पानी के साथ स्प्रे किए इसका। हाँ जी, फिर बाद में डाले अभी फ्लोरिंग के टाइम। तो अभी जैसे कि बहुत सारे किसान भाई हैं जो वायरस, मोज़ेक वायरस आता है पपीते खेती में, उसके बचाव के लिए बहुत सारे किसान बहुत महंगी महंगी दवाइयाँ यूज करते हैं। कुछ किसान भाइयों ने मुझे बताया था कि बहुत दूर दूर से भी दवाएं मंगाते हैं, बहुत महंगी दवाइयाँ मंगवाते हैं, तो इसमें आपने क्या यूज़ किया है जिसकी वजह से मोज़ेक वायरस नहीं आया अभी तक? वायरस के लिए तो हमने नारायण अस्त्र और स्प्रे प्लस का ही इस्तेमाल किया है। जी, बाजार से कोई दवाई नहीं लाए। जी जी, बाजार से सिर्फ हमने ये 1919। अच्छा, जो NPK आते हैं। जी जी, ये डाले। जी अच्छा, इसमें मल्टीप्लायर जो आपने यूज किया उसका क्या रोल रहा है, उसकी वजह से क्या रहा इसमें? उसका रिजल्ट तो बहुत अच्छा रहा है। जी जी, पौधे का जो कलर है, ग्रोथ है, पौधे का कलर है, ग्रोथ है। जी, वो मल्टीप्लायर से ही। अच्छा, तो आपने मल्टीप्लायर, ऑल क्लियर, स्प्रे प्लस, नारायण अस्त्र को कैसे यूज किया है? 15 लीटर पानी में कितना मात्रा लिया था आपने? 15 लीटर पानी में नारायण अस्त्र लिए थे। जी, 10 ml। जी, और स्प्रे प्लस लिए थे 2 ml। जी, और मल्टीप्लायर लिए थे 20 ग्राम के आसपास। जी, 20 ग्राम, 30 ग्राम। जी जी जी, और नारायण वो ऑल क्लियर जो है, ऑल क्लियर जो है वो 30 ग्राम लिए थे। ऑल क्लियर आपने काफी ज्यादा लिया था, ऑल क्लियर 5 ml बहुत होता है ना व्यम, तो आपने ये 4 दवाएं स्प्रे किया है। और जमीन से मल्टीप्लायर कैसे यूज किया था और कितनी मात्रा में यूज किया था? उसको एक पंप में हुई 30 ग्राम करीब। अच्छा, एक पंप में 30 ग्राम, एक 15 लीटर पानी में 30 से 40 ग्राम घोल करके आप ड्रेसिंग किए हैं आप?
ठीक ठीक तो अभी आपके हिसाब से जो आपने ये उपयोग किया है मल्टीप्लायर का और इन सब चीज़ों का, उससे जो रिजल्ट आए हैं, ये 7 महीने की फसल में बहुत ही आशाजनक रिजल्ट देख रहे हैं हम, क्योंकि 7 महीने में ज़्यादातर किसानों के जो पौधे होते हैं वो उसमें फूल आना शुरू होते हैं। और हम देख रहे हैं किसान भाइयों, मैं आपको वीडियो घुमा के दिखाता हूँ, आप ये देख सकते हैं इसमें 7 महीने में फल अच्छे से आना शुरू हो चुके हैं और काफ़ी सारी फ्लावरिंग भी लगी हुई है। तो अभी इसमें फल फूल आना शुरू हुए हैं, ये आपको अच्छा उत्पादन देने की शुरुआत में कर चुके हैं। और ये भाई साहब जो वैरायटी कौन सी है आप मुझे बताएंगे, ऐसे घूमते घूमते चलते हैं थोड़ा दिखाते हैं। 786 के हैं। ठीक है, तो ऐसे खड़े हो जाएंगे भैया सामने। तो आइए, 786 वैरायटी है। तो ये नर्सरी कितने दिन तैयार हो गई थी आपकी? लगभग नर्सरी 2 महीने, लगभग 2 महीने तैयार हो गई थी। और पौधरोपण के कितने दिन बाद इसमें फूल आना शुरू हो गया था? पौधरोपण के 3 महीने के बाद। अच्छा, मतलब पौधरोपण के 3 महीने बाद इसमें फूल आना शुरू हो गया था, ऐसा बहुत। तो फूल तो 2.5 महीने से लग गया था। अच्छा अच्छा, 2.5 महीने से, उसके बाद से ये फल लगना चालू हो गया। जी जी, देखा जाए तो किसान भाइयों, ज़्यादातर जितने भी किसान भाई पपीते की खेती करते हैं, वो सभी भाई ये समझ रहे होंगे देख रहे होंगे कि जो पपीते में फूल आते हैं वो करीब 7-6 महीने के आसपास शुरुआत होती है, और जो उत्पादन आता है वो करीब 8-9 महीने में शुरुआत होती है। लेकिन यहाँ पे 7 महीने में ही फल लग चुके हैं और फूल अभी लगे हुए हैं और भी फल आ रहे हैं अभी। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि इस तरह से किसान भाई ने जो पपीते की खेती किया हुआ है वो अच्छा। किस महीने में आपने पपीते की खेती किया था सर, आपने लगाया था पौधरोपण? लगाया था सितंबर माह में। और नर्सरी किस महीने तैयार किया था? जुलाई में बीज बुआई कर दिया था आपने? कर दिया था, जुलाई और अगस्त में तैयार हो गया था। जी जी, अच्छा, एक पैकेट में कितने सीड हो जाते हैं लगभग? छह सौ सात सौ सीड आ जाते हैं। और पौधे कितने तैयार होते हैं एक पैकेट से? पौधे 70-75% पौधे तैयार हो जाते हैं। मतलब एक पैकेट से करीब वही 400 के आसपास पौधे तैयार होते हैं, है ना जो है। तो आपको कुल मिलाकर ये कैसा लगा, ये पूरी बागवानी देख करके आपने, क्योंकि इतनी मेहनत की है आपने, तो आपको मल्टीप्लायर दिल भी खुश होता है। ये तो सबसे जरूरी बात है कि किसान भाई जो मेहनत करते हैं अपनी फसल को देख करके वो खुश हैं, तो हम सब अपने आप खुश हैं। तो मल्टीप्लायर कंपनी कैसी लगी आपको सर? बहुत बढ़िया। और यूज तो अब मैं करूंगा ही, पपीता में, मक्का में, गेहूं में। जी सर, क्योंकि आप बहुत सारी फसलें करते हैं। जी, आपने पिछली बार धान में यूज किया था, धान में कितना उत्पादन में अंतर आया था आपके पिछली बार? धान के पिछले बार लगी थी हाइब्रिड। हाँ हाँ, और इस बार लगी थी 1010। जी, तो इस बार आपने 1010 के मुकाबले में जी भी एवरेज अच्छा रहा इसका। तो अच्छा, 1 एकड़ में उत्पादन में क्या अंतर रहा आपका? 1 एकड़ में 16 क्विंटल करीब। 16 क्विंटल आपका रहा, क्योंकि आपके यहाँ मिट्टी थोड़ा लाल मिट्टी है, काली मिट्टी लाल मिट्टी दोनों मिक्स है ना जो है। तो पहले कितना उत्पादन आता था धान का? पहले उत्पादन आता था वो हाइब्रिड में आता था। हाँ हाँ, 16 क्विंटल 15 क्विंटल लेते थे। हाँ, इस बार कितना आया है हाइब्रिड में? इस बार हाइब्रिड में आया है अब 1 एकड़ से कुछ ज्यादा है। हाँ हाँ, 20 क्विंटल के आसपास उत्पादन आया है, जैसे पहले 16 क्विंटल आसपास आता था, इस बार हाइब्रिड रहती तो और बढ़ जाती। अच्छा अच्छा, तो और बढ़ जाए। जी जी, तो आप कुल मिलाकर संतुष्ट हैं हमारी कंपनी से, हमारे काम से? संतुष्ट हैं जी, सहयोग भी बहुत मिला है ना। नहीं, सहयोग तो हम बराबर रहेंगे, हम आपके नजदीक में है, पास में है, और आप जब आपका प्यार बना हुआ है, क्योंकि आप जब भी सिवनी आते हैं तो मुझसे मिलते हैं, बैठते हैं साथ में, 2-4 बातें भी होती हैं साथ में। तो ठीक है, आप सभी किसान भाइयों ने, आप राशिद खान जी से आपने उनका अनुभव देखा इस वीडियो के माध्यम से, आपको किसान भाइयों को वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट के माध्यम ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें, लाइक करें। और अगर आप नए किसान भाई देख रहे हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।